हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे फिजियोलॉजी सब्जेक्ट के, ठीक है, जो कि फर्स्ट ईयर का बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है ये। मैंने इसके पहले एनाटॉमी सब्जेक्ट जो है उसके रिलेटेड भी वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताई थी जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने वहाँ पर पूरा पीडीएफ उसका डाली थी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो उसमें बहुत सारे लोगों का रिप्लाई आया कि बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स है उसका भी निकालो मैम। तो मैंने ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो फिजियोलॉजी सब्जेक्ट जो है उसके निकाली हूँ। ठीक है, तो इसमें से आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ना 2 मार्क्स क्वेश्चन जो रहते हैं, वो जो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस रहते हैं, अपन को बहुत कम कम लिखना पड़ता है, वो निकाली हूँ मैंने। ठीक है, अलग अलग जो ईयर्स के जो पेपर्स है उसमें से मैंने ढूंढ ढूंढ के वहाँ पर क्वेश्चन पेपर निकाली हूँ। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को देखना, इसकी नोट्स बना लो अच्छे से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, आई थिंक मैंने 45 क्वेश्चन जो ये 2 मार्क्स वाले निकाले हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है ये अच्छे से आप देख लो। ठीक है, मैंने हर एक पॉइंट जो है इसको वहाँ पर इंक्लूड किया है, हर एक चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए थे वो मैंने सभी चीज़ यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, तो अगर आप ये भी पढ़ते हो तो आपको हो जाएगा अच्छे से कवर, उतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, फिर उसके बाद आता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपको थोड़ा ज़्यादा ब्रीफली लिखना पड़ता है। ओके, तो ब्रीफली लिखना पड़ता है ये, और ये एक्चुअली कैसा रहता है, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत बार रिपीट होते हैं, और ये जो क्वेश्चन से हमें अच्छे से आने ही चाहिए क्योंकि इस पर ज़्यादा मार्क्स हमारे कवर होते हैं। ठीक है, तो मेनली क्वेश्चन जो है वो सेम ही होते हैं, तो आप अच्छे से इसको करके जाओ, क्योंकि मैंने भी उसी टाइप से लिखी हुई यहाँ पर क्वेश्चंस जो है, क्योंकि मैंने भी जब पेपर देख रही थी मैं, तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो सिमिलर मुझे दिखे। ओके, ठीक है, तो फिर आप यहाँ से देख लो कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। ओके, तो यहाँ पर मैंने पूरे क्वेश्चन पेपर जो है उसका लिख दी हूँ कि कौन कौन से जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ओके, और इसके पहले कि मैं बताऊँ कि मैंने ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ शेयर करी हो आपको। ठीक है, उसको आप डाउनलोड करो और उसको सेव करके रखो अच्छे से, उसमें हर एक जो पॉइंट्स है ना, हर एक जो आपका चैप्टर है उसके वाइज वहाँ पर नोट्स बना के रखी है। ठीक है, तो नोट्स को वहाँ से पढ़ लो आप लोग, ओके, खुद की नोट्स बना लो उसमें से। ठीक है, उसको डाउनलोड कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। ठीक है, और अगर आपको एनाटॉमी सब्जेक्ट जो है उसके भी क्वेश्चन पेपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसका चाहिए, तो मैं उसका भी लिंक आपके इसमें डाल देती हूँ। ठीक है, ओके, तो ये मैंने 90 क्वेश्चंस जो है ये लॉन्ग वाले मैंने निकाल के रखी हूँ। ठीक है, अगर आपको मतलब लगता है कि हाँ आपको इसमें से करना चाहिए तो आप प्लीज़ इसे करो और इसकी नोट्स बना लो, और मैंने नोट्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक यू, और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।